हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति। आज पढ़ेंगे हम लॉजिकल फंक्शंस इन एक्सेल की। लॉजिकल फंक्शंस आपके एक्सेल में क्या होते हैं? लॉजिकल फंक्शन का मतलब यानी आप कोई कंडीशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई कंडीशन दी कि हमने यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन का यूज करना है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट के, यानी कंडीशन क्या होगी, आपका डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, जहां पर डिपार्टमेंट सेल्स है सिर्फ उन्हीं को कमीशन मिलेगी 5% ऑफ सैलरी। यानी सैलरी की 5% कमीशन उन्हीं को दी जाएगी जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला, यानी उसी को कमीशन देनी है, रन कराना है, तो वो हमारा कैसा फंक्शन हो गया? लॉजिकल। यहाँ आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आंसर आना चाहिए या हमारा ये वर्क होना चाहिए, और कंडीशन फॉल्स होगी यानी कंडीशन ट्रू होगी यानी मेरा जो एम्प्लॉयज है वो सेल्स डिपार्टमेंट के है तो कमीशन का उन्हें 5% मिलेगी, अदरवाइज उन्हें कमीशन नहीं मिलेगी। यानी ट्रू के लिए भी आप एक आंसर देंगे और फॉल्स के लिए भी एक आंसर देंगे, तो वो क्या हो गया हमारा यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन। अब देखिए ये शीट यहाँ पे शो हो रही है कि यहाँ पर हमारा नेम है सारे एम्प्लॉयज के, डिपार्टमेंट, सैलरी और कमीशन। अब हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट करना है। लॉजिकल टेस्ट में लॉजिकल फॉर्मूला आपका यहाँ पर दिखा हुआ, मैं इसको रन करा के दिखा देती हूँ आपको। देखिएगा, मुझे ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में है या कौन सा एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं है, दोनों को चेक करना है। तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे इक्वल टू का सिंबल, इक्वल टू के बाद आप सिलेक्ट करेंगे पहले एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है हमारा, एडमिन, इसको हमने सिलेक्ट करा। इक्वल टू आप इसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए सेल्स, यानी जो पहला एम्प्लॉय है, इक्वल टू हो गया फॉर्मूला के लिए। दोबारा से देखिएगा, इक्वल टू किसको चेक करना है, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट पे क्लिक, एडमिन सिलेक्ट हो गया। यदि इक्वल टू डिपार्टमेंट इक्वल टू फॉर्मूला, और ये मेरा B7 का मतलब डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, एडमिन, डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, यदि डिपार्टमेंट मेरा सेल्स के इक्विवेलेंट है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, एंटर कर दिया, ये फॉल्स दिखा रहा है। अब इसी फॉर्मूला को नीचे तक पेस्ट करना है, यानी सभी का चेक करना है। एक और रन करा देती हूँ मैं आपका यहाँ पर, इक्वल टू आप सिलेक्ट करोगे इसका डिपार्टमेंट, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और आप क्या दोगे यहाँ पर कंडीशन, इक्वल टू डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या, सेल्स के इक्विवेलेंट है, तो मेरा ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या आ गया, ट्रू। अब मुझे इसी फॉर्मूला को नीचे तक पेस्ट करना है, तो जैसे पहले सेल में फॉर्मूला लगा है, आप उसके साथ नीचे वाले सारे सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, मेरी सभी का दिखा दिया। देखिए एडमिन है इसका डिपार्टमेंट, हमने तो चेक कराना था कि ये सेल्स का है, नहीं सेल्स का नहीं, तो क्या दिखा दिया, फॉल्स। सेकेंड एम्प्लॉय सेल्स का है, ट्रू दिखा दिया। थर्ड एम्प्लॉय क्या सेल्स का है, फॉल्स दिखा दिया। फोर्थ एम्प्लॉय सेल्स का है, हाँ है, ट्रू दिखा दिया। इतना समझ गए होगे लॉजिकल टेस्ट क्या होता है या लॉजिकल फॉर्मूला आपका क्या होता है। ये तो लॉजिकल फॉर्मूला है, अब हम लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे। इफ आपका एक लॉजिकल फंक्शन है, अब मुझे सबकी कमीशन निकालनी है, यहाँ पर पहले से मैंने निकाली हुई है कि जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेल है सिर्फ उसी को कमीशन मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, इसको कर दिया मैंने डिलीट। पहले हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। देखिए इक्वल टू इफ B7 का मतलब ये B नंबर कॉलम, ये 7 नंबर रो, यानी ये वाला सेल, इफ दिस सेल इक्वल टू सेल्स, यदि ये सेल मेरा किसके इक्वल हो, सेल्स में। ये लॉजिकल टेस्ट है, मैंने पहली कंडीशन दे दी, तो ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा कि ये मेरा सेल्स के इक्वलेंट है या नहीं है। इफ कंडीशन ट्रू, यदि मेरी कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, C7 यानी इसकी सैलरी क्या है, पहले एम्प्लॉय की 10,000, उसका मल्टीप्लाई कितना परसेंट, यदि 5/5 आप 5/100 लिखेंगे 5% को, तो 0.05 ही होगा, इसका मतलब भी 5% ही होता है। आप डायरेक्ट 5 करके परसेंट लिख सकते हैं, 0.05% यानी 5% सैलरी का उसको मिलेगा, अदरवाइज कॉमा 0। यदि ट्रू है कंडीशन तो ये वाली कंडीशन, यानी मेरा जो डिपार्टमेंट है B7, यानी डिपार्टमेंट का नेम जो कि यहाँ पर एडमिन है, इक्वल टू सेल्स, सेल्स के इक्वलेंट है, ये कंडीशन यदि ट्रू होती है, कॉमा ट्रू होता है, तो C7 का कितना निकालेगा ये 5%, C7 यानी 10,000 का निकालेगा कितना 5%, यानी वो सेल्स का एम्प्लॉय है।
बट ये तो एडमिन का है आपका, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो फॉल्स होगा तो मेरा क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू, जीरो। यानी ट्रू के लिए भी आप एक वैल्यू देंगे, फॉल्स के लिए भी आप एक वैल्यू देंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, लॉजिकल फंक्शन। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप करा इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट को चेक करना है, डिपार्टमेंट पर क्लिक किया, इक्वल टू सेल्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कंडीशन को मैंने दिया इन्वर्टेड कॉमा में। यदि मेरा डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स है कॉमा, तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पर सैलरी का कितना मिलेगा उसको, सैलरी इफ डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, तो यहाँ पर मेरा आएगा सैलरी मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 5% कॉमा, अगर ट्रू नहीं है तो क्या आएगा, जीरो, एंटर कर दीजिएगा। अब ये सेल्स का एम्प्लॉय तो नहीं है, तो इसकी सैलरी क्या, कमीशन क्या आ गई, जीरो। दोबारा से रन करते हैं, इक्वल टू आप टाइप कीजिएगा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब मुझे डिपार्टमेंट देखना है तो सचिन का डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट इस पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कंडीशन, डिपार्टमेंट इक्वल टू आपका क्या है, सेल्स कॉमा, तो ये क्या करेगा, ये करेगा इसकी सैलरी का मल्टीप्लाई 5%, आप 0.05 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके 5% भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एंटर कर दीजिएगा, ये आ गया 600। फॉल्स के लिए आपने कंडीशन ही नहीं दी, कॉमा करके जीरो, देखो ये कंडीशन हो गई, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती तो जीरो आ जाता और ट्रू है तो इसका कितना निकाल देगा ये, 5%, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए पहले सेल में मैंने फॉर्मूला लगाया था, इसको नीचे तक ड्रैग करके आपको पेस्ट करना आता है, ये कंट्रोल डी कर दीजिए, तो यानी 5000 का 5%, 12000 का 5%, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने लॉजिकल टेस्ट किया। इसी में हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन विद इफ एंड एंड, दोनों का यूज पढ़ेंगे। थैंक यू।